हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिचैन वांग जी से टीजिंग टोन में पूछता है कि क्या ताइसुंग का नाम सुनकर वांग जी के कानों में घंटी बजने लगी है। जो बात सुनकर वांग जी मन में चीख कर खुद से पूछता है कि ताइसुंग के बारे में शिचैन कैसे जानता है, क्या उसके बारे में वांग जी से कोई गलती हो गई बात छुपाने में। तभी वांग जी गुस्से में पूछता है कि शिचैन उसे कैसे जानता है, जिस पर शिचैन मॉकिंग टोन में कहता है, मैं तो उसे पर्सनली जानता हूँ। क्यों, क्या तुम उसे जानते हो? जो सुनकर वांग जी मन में सोचता है कि आखिर शिचैन चाहता क्या है और ये ताइसुंग को कैसे जानता है। क्या उस बास्टर्ड ने खुद अपने आप को शिचैन से इंट्रोड्यूस करवाया है? तभी वांग जी शिचैन से कहता है कि वो ताइसुंग को नहीं जानता और विंग को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब देखता है कि शुयांग ऑलरेडी दरवाजे के बीच में बोर फेस के साथ प्लेफुली अपना एरो शिचैन की तरफ पॉइंट करके बैठा हुआ था। तभी वांग जी से शिचैन पूछता है कि क्या वांग जी सच कह रहा है, जिस पर शिचैन की तरफ अपना बैक रखे हुए ही वांग जी कहता है कि शिचैन की डिसअपॉइंटमेंट के लिए वांग जी सॉरी है, पर वांग जी ताइसुंग को नहीं जानता है। तो जिस इंसान को वांग जी जानता ही नहीं है, वो वांग जी की वीकनेस कैसे हो सकता है? जिस बात पर शिचैन जोर जोर से हंसने लगता है और वांग जी शिचैन को इग्नोर करके जैसे ही विंग को ब्राइडल स्टाइल में लेकर आगे बढ़ने लगता है, अचानक अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है। जब वांग जी वो आवाज़ सुनता है जिस आवाज को वांग जी ने कई सालों से नहीं सुना था, जिस आवाज को वांग जी दोबारा कभी सुनना भी नहीं चाहता था, वो आवाज जिसने वांग जी के दिल को गहराइयों तक चीर कर रख दिया था, जिस आवाज के ओनर ने वांग जी की लाइफ को रून कर दिया था और जिससे वांग जी सबसे ज्यादा नफरत करता था। जो आवाज वांग जी से कह रही थी, वांग जी माई लव, क्या तुम अपने प्यार को ग्रीट नहीं करोगे? तभी खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करके वांग जी ताइसुंग की तरफ देखकर उसे हाय ताइसुंग कहकर ऊपर से नीचे तक चेक करता है, जो आज भी इतने सालों बाद बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। वो आज भी टॉल, हैंडसम और दिखने में स्वीट था। वो आज भी वही ताइसुंग था जिससे वांग जी 10 साल पहले मिला था। जिसे देखकर वांग जी सोचता है कि ये ताइसुंग इतने सालों बाद आज अचानक वांग जी के सामने क्यों आया है, इसे अब क्या चाहिए? कि तभी ताइसुंग पाउट बनाकर पूछता है कि क्या वांग जी ने उसे मिस नहीं किया, क्योंकि ताइसुंग ने तो वांग जी को बहुत मिस किया है। जो सुनकर वांग जी हंसते हुए पूछता है कि क्या सच में ताइसुंग ने वांग जी को मिस किया था या उसके पैसों को। जो सब बातें करते हुए वांग जी बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को गिरने से रोक पा रहा था, क्योंकि पेनफुल पास्ट की मेमोरीज वांग जी के दिमाग में फ्लैश हो रही थी, जो मेमोरीज वांग जी के दिल को चीर रही थी और अभी भी वांग जी को तकलीफ पहुंचा रही थी। जहां वांग जी को लगा था कि वो अपने पास्ट से मूव ऑन हो चुका है, कि तभी ताइसुंग क्यूटली कहता है, वांग जी ऐसी बातें ना करे, क्योंकि वो जानता है कि वांग जी अभी भी ताइसुंग से ही प्यार करता है। जो सब बातें सुनकर वांग जी चीखना चाहता था, क्योंकि ताइसुंग की बातें वांग जी को तकलीफ पहुंचा रहे थे। वांग जी का तो मन इस पल शिचैन और ताइसुंग को गला दबाकर उन्हें मार डालने का कर रहा था। तभी अचानक वांग जी अपनी बॉडी को कमजोर पाता है, मानो वो किसी भी पल को लैप्स्ड हो सकता है। वहीं वांग जी का मन सबसे दूर भाग जाने का कर रहा था, ताइसुंग से दूर, विंग से दूर, सबसे दूर। जहां खुद को वीक पाकर वांग जी शुयांग को देखकर उसे इशारा करके अपने पास बुलाता है और शुयांग के पास आते ही प्लीडिंग टोन में शुयांग से अनकॉन्शियस विंग को कैरी करने को कहता है। जहां पहली बार वांग जी की वीक प्लीडिंग टोन में रिक्वेस्ट सुनकर शुयांग हैरान रह जाता है, इसलिए बिना किसी सवाल के शुयांग विंग को कैरी कर लेता है। वहीं वांग जी कभी किसी को विंग इस तरह कैरी करने के लिए नहीं देना चाहता था, पर इस वक्त वांग जी की बॉडी कमजोर पड़ रही थी तो उसे ऐसा करना पड़ा। तभी विंग को शुयांग के पास देते ही वांग जी शिचैन और ताइसुंग की तरफ मुड़कर पूछता है कि वो दोनों आखिर चाहते क्या हैं, जिस पर ताइसुंग स्वीटली स्माइल करता हुआ वांग जी के पास आकर वांग जी को कमर से पकड़ कर कहता है कि वो वांग जी को वापस पाना चाहता है। जो बात सुनते ही वांग जी फ्रोज रह जाता है, पर अगले ही पल फर्मली मना कर देता है, जो ना सुनकर
ताइसुंग वांगजी को घूरकर देखते हुए पूछता है, क्यों, क्या उस कमीने की वजह से तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? जो बात सुनते ही वांगजी की आईज डार्क हो जाती है, जिस तरह से ताइसुंग ने विंग को लेकर बात कही थी। कि तभी ताइसुंग को झटके से खुद से दूर करते हुए वांगजी ताइसुंग के जॉ को पकड़कर कहता है कि ताइसुंग मर भी जाए तो भी अब वांगजी को वापस नहीं पा सकता है। क्या ताइसुंग भूल गया कि उसने वांगजी के साथ क्या किया था? क्या उस सब के बाद ताइसुंग को लगता है कि वांगजी उसे वापस अपनी लाइफ में चाहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पास्ट में सब कुछ खुद ताइसुंग ने खराब किया था, इसलिए वांगजी दोबारा ताइसुंग को अपनी लाइफ खराब करने का मौका कभी नहीं देगा। तभी वांगजी की टाइट पकड़ अपने जॉ पर फील करके ताइसुंग कहता है कि वांगजी उसे हर्ट कर रहा है, जिस पर वांगजी कहता है कि वो हर तरीके से ताइसुंग को हर्ट करेगा अगर उसने वांगजी और विंग के बीच में आने की कोशिश की तो। जिस पर ताइसुंग कहता है कि वांगजी सिर्फ उसी का है, हमेशा से ही वांगजी सिर्फ ताइसुंग का ही था, है और रहेगा। जो बात सुनकर स्मर्क के साथ वांगजी कहता है कि वो ताइसुंग का सालों पहले था, लेकिन ताइसुंग ने वांगजी को हर्ट करना चुना, इसलिए अब वांगजी कभी ताइसुंग का नहीं हो सकता है। जो बात पूरी करते ही वांगजी पलटकर शुयांग के पास आकर विंग को दोबारा अपनी बाहों में थामकर वहां से शुयांग के साथ चला जाता है। जिन्हें जाता देख कर शिचैन चिढ़ते हुए ताइसुंग से पूछता है कि क्या वो वांगजी को इतनी आसानी से जाने देगा, जिस पर ताइसुंग कॉन्फिडेंटली कहता है, शिचैन तुम परेशान मत हो, मैं वांगजी को दोबारा वापस पा ही लूंगा, तुम बस इंतजार करो और देखो, मैं वांगजी को जाने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अपने पेंट हाउस में वापस आकर बेहोश विंग को देखकर वांगजी परेशान होकर गहरी सांसें भरे जा रहा था। तभी वांगजी को देखकर शुयांग पूछता है कि वो लड़का कौन था, क्या वो वांगजी का एक्स है, क्या उसके बारे में हुसैंग जानता है? जिस पर वांगजी इरिटेटेड टोन में कहता है कि नहीं, कोई भी ताइसुंग के बारे में नहीं जानता है, पर शिचैन की वजह से अब वांगजी का पास्ट सामने आ गया है। पर वांगजी बस एक बात नहीं समझ पा रहा है कि वो शिचैन ताइसुंग को कैसे जानता है। जो सब सुनकर शुयांग पूछता है कि आखिर वांगजी ने ये बात उन सब से क्यों छुपाई, क्या वांगजी स्टुपिड है, दोस्त आखिर होते किस लिए हैं? जो बात सुनकर वांगजी शुयांग से कुछ नहीं कहता, पर अपने मन में कर्स करता है और खुद से कहता है कि शिट, ताइसुंग एक्चुअल में उसका रियल एक्स नहीं है। क्या होगा अगर शिचैन को सारा सच पता चल गया तो? क्या होगा अगर ताइसुंग ने उनका सीक्रेट सबको बता दिया तो? क्या होगा अगर बाद में शिचैन और ताइसुंग ने मिलकर विंग को वांगजी का सारा सीक्रेट बता दिया तो? तब क्या होगा? कि तभी वांगजी अपनी सोच से बाहर आता है जब वो विंग की वीक वॉइस में अपना नाम सुनता है, लंजा। जो सुनते ही वांगजी पैनिक टोन में विंग के पास आकर उसे चेक करते हुए पूछता है कि क्या विंग ठीक है, उसे कहीं दर्द हो रहा है, उसके हाथ पैर कहीं कोई तकलीफ हो रही है, क्या वांगजी डॉक्टर को बुलाए, विंग कैसा फील? कि तभी वांगजी के सवालों की लिस्ट बीच में ही कट जाती है जब शुयांग वांगजी की नेक के बैक पर थप्पड़ मारकर कहता है कि वांगजी को क्या हुआ है, वो थोड़ा स्लो हो जाए, विंग अभी होश में आया है। जो सब सुनकर विंग स्माइल करने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो ठीक है, बस थोड़ा बॉडी में पेन है, पर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या हुआ था? जो सब सुनकर वांगजी हैरान रह जाता है और कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या विंग को कुछ भी याद नहीं है? जिस पर विंग बताता है कि उसे कैसे कैरी करके बेहोश किया गया था, फिर बेहोशी में उसने शिचैन और एक अनफेमिलियर वॉइस को कुछ बातें करते हुए सुना था। विंग ने आधी बेहोशी में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी तो उसे तब तक मारा था जब तक वो ब्लड वॉमिट करके दोबारा बेहोश नहीं हो गया। जो सब सुनकर वांगजी गुस्से में उबलने लगता है, पर एक रिलीव्ड भी फील करता है ये सोचकर कि ताइसुंग ने विंग को उनका सीक्रेट नहीं बताया था। तभी शुयांग पूछता है कि अब वांगजी क्या करेगा, वो शिचैन वांगजी का पेशेंस टेस्ट कर रहा है। जिस पर वांगजी कहता है कि वो शिचैन के बारे में विंग के पूरे ठीक होने के बाद ही सोचेगा। जो सुनकर शुयांग कहता है कि तो फिर वो वापस शिचैन के पास जा रहा है, वो अभी भी यानली के साथ है, जो कहकर शुयांग विंग से जल्दी रिकवर करने का कहकर वहां से चला जाता है। जिसके जाते ही विंग वांगजी को देखकर स्माइल करता है, पर चोट की वजह से प्रॉपर स्माइल कर नहीं पाता और वांगजी से कहता है कि उसे दर्द हो रहा है। जो सुनते ही वांगजी अपने क्लोजेट के पास जाकर फर्स्ट एड बॉक्स और विंग के लिए कुछ लूज कपड़े पहनने के लिए निकालता है। फिर वांगजी विंग के लिए बबल बाथ रेडी करके विंग को बाथ टब में बैठाकर
विंग के फोरहेड पर किस करके कहता है कि जब विंग बात ले ले तो वांग जी को बुला ले, जिस पर विंग ओके में अपना सिर हिला देता है। जिसके आधे घंटे बाद विंग वांग जी को आवाज देता है तो वांग जी विंग को बाहर लाकर कपड़े पहनाता है। फिर वांग जी विंग से पूछता है कि विंग क्या खाना चाहता है, जिस पर विंग प्लेफुली कहता है कि वो वांग जी को खाना चाहता है। जो जवाब सुनकर वांग जी ईयर टू ईयर स्माइल करते हुए कहता है कि वांग जी खुद को विंग के सामने सर्व करके हैप्पी फील करेगा, लेकिन अभी विंग वीक है। जब वो ठीक हो जाएगा तब वांग जी को जैसे चाहे वैसे खा सकता है। जिसके बाद पूरा एक हफ्ता वांग जी विंग को अपने पेंट हाउस में ही रखता है विंग के पूरे ठीक होने तक। और वांग जी इस बीच अपनी एलाइट मिलिट्री टीम को उसका पेंट हाउस और हॉस्पिटल गार्ड करते रहने को कहता है। फिर एक हफ्ते बाद विंग के हॉस्पिटल विजिट करते ही जिनशा कोल्ड वॉइस में पूछता है कि विंग इतने टाइम कहाँ था, जिस पर विंग पाउट बनाकर कहता है कि ये एक सीक्रेट है। जो सुनकर जिनशा अपनी आईज रोल करते हुए कहता है कि उसे लगा था कि विंग को जिनशा की बात क्लियरली समझ आई थी जब उसने विंग से उस बास्टर्ड से दूर रहने को कहा था। जो बात सुनकर विंग गुस्से में पूछता है कि जिनशा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्या उनके पेरेंट्स ने जिनशा को तमीज नहीं सिखाई थी, क्या जिनशा वांग जी को अपना बड़ा समझकर उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। कि तभी विंग की बातों से अनॉयड फील करते हुए जिनशा विंग की बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए कहता है कि क्या विंग हॉयसेंग से जिनशा का पीछा करने से मना कर सकता है, क्योंकि जिनशा उससे परेशान होने लगा है। जो बात सुनकर विंग और यानली चकल करने लगते हैं। फिर विंग पूछता है कि जिनशा खुद हॉयसेंग से क्यों नहीं कह देता, जिस पर जिनशा कहता है कि वो हॉयसेंग से सेम बात कहता आ रहा है पर वो सुनता ही नहीं है। जिस बात पर स्माइल करके विंग यानली से पूछता है कि क्या शुयांग और शिंगचेन से भी यानली को इरिटेशन होती है। जिस सवाल पर हंसते हुए यानली कहती है कि वो दोनों तो बेस्ट हैं। यानली को तो बड़ा मजा आता था ये देखकर कि कैसे शिंगचेन प्लेफुली शुयांग के साथ फ्लर्ट करता था और शुयांग अपना डैगर निकालकर शिंगचेन को अपने पास आने से रोकता रहता था। जो बात बताकर यानली पूछती है कि क्या वो दोनों कपल हैं, जिस पर विंग कहता है कि वो ये बात नहीं जानता है। जिसके बाद 3 घंटों तक विंग अपने सिबलिंग से बातें करता रहता है। फिर वांग जी आकर विंग को अपने साथ ले जाता है और शुयांग हॉयसेंग शिंगचेन और बाकी दोस्त वापस हॉस्पिटल में आकर विंग की मॉम जिनशा यानली और हॉस्पिटल को गार्ड करने लगते हैं। जहां अपने पेंट हाउस में आते ही वांग जी लिविंग रूम में ही विंग के साथ प्लेफुल होकर लव मेकिंग करने लगता है, जहां इस बार विंग भी वांग जी को कॉपी करते हुए वांग जी को अपने तरीके से प्लेजर फील करवाता है। वो दोनों अपने सेकेंड राउंड में बिजी थे कि तभी वांग जी के घर की डोर बेल लगातार बजने लगती है, जिससे इरिटेटेड होकर वांग जी अपना बॉक्सर पहनकर डोर ओपन करने जाता है और वांग जी को इरिटेटेड देखकर विंग स्माइल के साथ अपनी नेकेड बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और डोर की तरफ देखता है, जहां डोर खुलते ही विंग एक अननोन लड़के को पेंट हाउस में एंटर करके वांग जी को उसके कमर से पकड़कर हग करते हुए देखता है। जिस लड़के की आंखों में विंग वांग जी के लिए लस्ट साफ देख पा रहा था, जो देखकर विंग सोचता है कि आखिर ये लड़का कौन है। कि तभी वांग जी कोल्ड वॉइस में उस लड़के से पूछता है कि वो वांग जी के पेंट हाउस में आखिर कर क्या रहा है। जिस सवाल पर ताइसुंग कहता है, ओ हनी ऐसा मत कहो, क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। तो बात विंग सुन लेता है क्योंकि वो लिविंग रूम में ही था। जो बात सुनकर विंग सोचता है, लव, आखिर ये लड़का वांग जी का कौन है, क्या ये वांग जी का लवर है। पर विंग को तो लगा था कि वांग जी सिंगल है, क्या वांग जी ने विंग से झूठ बोला। कि तभी विंग के दिल पर चाकू सा चल जाता है जब ताइसुंग विंग के सामने ही वांग जी को फ्रेंच किस करते हुए विंग को साइड आईज से देखता है। वहीं वांग जी ताइसुंग के सडन एक्शन से अपनी ही जगह पर फ्रोज रह जाता है, इसकी वजह से वो ताइसुंग को खुद से दूर नहीं कर पाता, जो देखकर विंग फौरन अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता है और अपने दिल में पेन फील करता है। तभी विंग को अपने दिल पर फिर से चोट फील होती है जब वो ताइसुंग को कहता हुआ सुनता है, वांग जी माई लव, मैं तुम्हें फिर से अपना बना लूंगा। जिस पर वांग जी ताइसुंग को कर्स करता है, पर विंग ये सब सुनकर और देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाता, जहां विंग समझ ही नहीं पा रहा था कि वो रो क्यों रहा था, लेकिन बस विंग को ये समझ आ रहा था कि उसे पेन फील हो रहा था। कि तभी विंग फौरन उठकर ऊपर अपने रूम की तरफ जाता है,
जिसे भागकर जाता देखकर वांग जी विंग का नाम चीख कर पुकारता है। वहीं विंग वांग जी के रूम में आकर बेड पर गिरकर बुरी तरह से रोने लगता है। वहीं विंग नहीं समझ पा रहा था कि वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा था। आखिर क्यों उसे इतनी तकलीफ हो रही थी किसी को वांग जी के साथ किस करता देखकर, पर जो तकलीफ विंग फील कर रहा था वो उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, जिसकी वजह से विंग को फील हो रहा था कि किसी भी पल उसे अस्थमा का अटैक आ सकता है। और विंग सोचता है कि आखिर वांग जी ने विंग को अपने लवर के बारे में क्यों नहीं बताया, आखिर क्यों वांग जी ने विंग को अपना सेक्स पार्टनर बनाया जब उसका अपना लवर था जो वांग जी की डिजायर को पूरा कर सकता था। जो सब सोचकर विंग खुद पर चीखता है कि उसे इन सब से असर क्यों पड़ रहा है, कि तभी विंग फ्रोज रह जाता है जब वो रूम का डोर खुलते हुए सुनता है और वांग जी विंग के पास आकर विंग से वांग जी को फेस करने के लिए कहता है, पर विंग मना कर देता है। तो वांग जी विंग को ब्लैंकेट से बाहर निकालने के लिए विंग के ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है, पर विंग प्लीडिंग टोन में वांग जी से रुकने को कहता है, जिस पर वांग जी हेल्पलेसली कहता है, विंग प्लीज मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, क्या तुम रो रहे हो? जो सुनकर विंग अपनी कांपती आवाज में कहता है कि वो अभी वांग जी से बात नहीं करना चाहता है, तो प्लीज वांग जी विंग को अकेला छोड़ दे। लेकिन वांग जी फोर्सफुली विंग का ब्लैंकेट हटाता है और विंग की रोने से सूजी आंखें देखकर बुरा फील करता है और साइलेंटली खुद को कर्स करते हुए वांग जी विंग की स्वोलन आईज को सहलाते हुए पूछता है कि विंग रो क्यों रहा है, जिस पर विंग वांग जी से कहकर कि वांग जी विंग की फिक्र ना करे, विंग बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तो वांग जी ऊंची आवाज में कहता है कि विंग पहले वांग जी से बात करे, लेकिन विंग फर्मली मना कर देता है। पर अगले ही पल वांग जी रफली विंग को पुल करके दीवार पर पिन करते हुए अपना फेस विंग के फेस के करीब लाकर डीप वॉइस में पूछता है कि विंग रो क्यों रहा है, जिस पर विंग हेजिटेटेड फील करते हुए पूछता है कि वो लड़का कौन था जो वांग जी को उसी के सामने किस कर रहा था। जो सुनकर वांग जी कहता है कि वो कोई नहीं है, जिस रिस्पॉन्स पर विंग एक फीकी स्माइल के साथ वांग जी को हल्का सा पुश करके खुद से दूर करते हुए ओके कहता है। फिर वांग जी के क्लोजेट के पास जाकर अपना सारा सामान निकाल कर लगेज पैक करने लगता है, जो देख कर वांग जी पूछता है कि विंग कहाँ जा रहा है, जिस पर विंग कहता है कि वो घर जा रहा है। जो सुनकर वांग जी पूछता है कि क्यों, उन्होंने तो डिसाइड किया था ना कि विंग थोड़े टाइम वांग जी के साथ ही रहेगा। जो बात सुनकर वांग जी को फेस करके विंग कहता है कि वो किसी और को वांग जी के साथ इंटीमेट होता नहीं देख सकता है। विंग को इरिटेशन होती है इसलिए वो जा रहा है। जो बात सुनकर वांग जी हेल्पलेसली विंग का फेस पकड़ कर कहता है कि वो लड़का सच में वांग जी के लिए कोई नहीं है, और क्या विंग उसके लिए वांग जी से फाइट करेगा, जिस पर विंग पूछता है कि तो फिर वांग जी ऑनेस्टली बताए कि वो लड़का कौन है, फिर वो लड़का वांग जी का कौन है, क्या वो वांग जी का लवर है या उसका एक्स, क्या वांग जी विंग के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकता है। जिस पर वांग जी इरिटेटेड टोन में कहता है कि उसने कहा ना कि वो लड़का वांग जी का कोई नहीं है, विंग बिलीव करे। जो जवाब पाकर विंग अपना सामान पैक करते हुए कहता है क्या उसे वांग जी पर बिलीव करना चाहिए। जो सवाल पूछकर विंग वांग जी को फेस करके आगे कहता है, उस लड़के ने मेरे सामने तुम्हें किस किया और तुमने उसे रोका तक नहीं, मानो वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था, तुम कहते हो मैं तुम्हें बिलीव करूं। जो कहते ही फिर से विंग के आंसू बह जाते हैं और वो वांग जी की तरफ फौरन पीट करके वांग जी को सॉरी कहता है और अपना सामान दोबारा पैक करने लगता है, जहां अचानक विंग के शाउट करने से वांग जी शॉक्ड रह जाता है। पर अगले ही पल विंग को बैक हग करके कहता है कि विंग प्लीज ऐसा वांग जी के साथ ना करे। आखिर विंग वांग जी के पास्ट के बारे में क्यों जानना चाहता है, जिस पर विंग पूछता है कि क्या वो नहीं जान सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन में यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 अपने बहुत सारे लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक लाइक की तो ही बात है, और प्लीज़ अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ, तब तक के लिए बाय।